तूफान आया, किस तरह से हवाएं जो हैं लहरा रही थी, किस तरह से पूरा ये टेंट जो है ऐसे करके मूव कर रहा था। और हमारे को एक विश्वास है जो परमात्मा के प्रति है, और जब काम जो भी काम करते हैं हम, यही होता है कि काम उसका है, ये गिरेगा तो उसका नुकसान है, ये उठेगा तो उसका है, तो इसलिए हम उस बात में स्टेबल रहते हैं, हमारी स्थिति में फर्क पड़ता नहीं है। और फिर जैसे ये गिरा, हमें बोला गया कि आज का दिन जो अगला दिन आने वाला है इससे भी भयंकर होगा, जैसे कल की स्पीड जो 16 किलोमीटर के हिसाब से थी, आज का 21 का कुछ बोला गया हमें, और ये बोला गया कि इसको एक दिन के बाद इसको खड़ा करेंगे दोबारा, इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, और हमने कहा दोबारा इसको खड़ा करेंगे, दोबारा गिर गया फिर उठा लेंगे इसको। पर एक दिन के अंदर जो भी लोग यहाँ पे विजिट करने वाले हैं वो इससे वंचित ना रह जाएं, परमात्म ज्ञान से जो उनको मिलने वाला है वो उससे विजिट वंचित ना रहें, इसके लिए हमने इसको रात रात में तैयार करके फिर खड़ा किया। तो वो विश्वास, वो लोगों को प्रति जो देने की भावना थी, वो हमारे विश्वास को हमें खड़ा करके, इसको भी खड़ा करके ले जाए। तो कोई दुख या परेशानी या भगवान के ऊपर दोष की ये सारा हमने उसी का कार्य कर रहे हैं और फिर टूट गया। सत्य बात ये है कि ये कार्य जो है वो हमें विचलित नहीं करता, प्रकृति जो है वो हमें हिलाती नहीं है, क्योंकि हम संपूर्ण निश्चय से चलते हैं, संपूर्ण विश्वास से चलते हैं कि ये कार्य सफल होना ही है। हवाएं आई थी, हवाएं चली गई हैं, लेकिन जो परमात्म कार्य है उसको कोई कह सकते, कहते हैं ना वो सत्य की नाव जो है वो हिलती है डुलती है लेकिन वो डूबती नहीं है। इसलिए हमें कल विश्वास था, और हम रात को 11, 11:30, 12 बजे तक भी सब इस बातों को अच्छी तरह से निश्चय बुद्धि से और आत्मविश्वास को साथ लेकर चल रहे थे, और रात रात के अंदर ये सारे के सारा जो ऑडिटोरियम था इसको भी अच्छे से हमने जो है बहुत अच्छी तरह बनाया, और सुबह शिवानी बहन का फुल कंप्लीट सेटअप जो है तैयार। तो आप क्या संदेश देना चाहिए? संदेश इसमें यही है कि इसमें एक समर्पण भाव है परमात्मा के प्रति, और कार्य परमात्मा का है, परमात्मा का कार्य होने के अंदर से हम जैसे बच्चे हैं ना खेल रहे होते हैं, तो वैसे खेल रहे थे, तो खेलते खेलते काम कर रहे हैं, और एक निमित्त भाव से काम था हमारे लिए। उसमें दुनिया में अगर लोग देखते हैं और सोचते हैं, वो कह देते हैं कि भगवान को दोष दे देते हैं, लेकिन ये दोष भगवान का तो है ही नहीं, भगवान तो सत्यता की ओर चलता है और सत्य दुनिया की स्थापना करना चाह रहा है, और हम जब सत्यता के मार्ग पर चलते हैं तो हम उस रास्ते में अवश्य सफलता पाते हैं। जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान।